करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे फरे, जो उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में बहुत ही फेमस है। और इसके लिए आज हम बनाएंगे दो टाइप के फरे, एक तो होंगे फ्राई वाले और एक होंगे ग्रेवी वाले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ चने की दाल ले ली और उसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं। चने की दाल थोड़ी भीगने में वक्त लेती है, तो ओवरनाइट सोक करना बेहतर रहेगा। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह इसको छान लें और सारा पानी निकाल लें। अब आपके पास सूखी हुई दाल रेडी हो जाएगी। एक मिक्सर ग्राइंडर में चने की दाल को डाल दें। इसका हमें एक मिक्सचर बनाना है जो फरे के अंदर एज अ स्टफिंग काम करेगा। ये डाल दी हरी मिर्च और इसमें जाएगा अब अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप उसके बगैर बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। डाल दें कुछ जीरा। आज मैं जीरा और शाही जीरा दोनों ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब डाल दी कुछ हल्दी। अब जाएगा इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देते हैं थोड़ा धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर के बाद आखिरी बचा हमारा गरम मसाला। अब गरम मसाला भी डाल ही देते हैं। ये सब डालने के बाद अब लास्ट में जिसके बगैर काम चलेगा नहीं, वो है नमक। नमक डाल दिया। नमक हल्का सा बढ़ा के डाला है क्योंकि फरे की आउटर कवरिंग में वैसे कोई खास नमक होता नहीं। आप चाहें तो स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना दें। अगर आपको स्मूथ पेस्ट ज़्यादा पसंद ना हो और आपको दरदरा खाना पसंद है तो थोड़ा दरदरा भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा। मुझे कुछ स्मूथ पेस्ट पसंद था तो मैंने इसको स्मूथ कर लिया है, क्योंकि अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ ना, उनको स्मूथ ही पसंद है। आखिर एक ही दिन तो मिलता है पत्नी को खुश करने के लिए। और ये स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब देखिए आटा गूंद लेते हैं। आटे को एक बोल में ले लें और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मोइन। मोइन के लिए आप तेल अथवा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दें हल्का सा नमक और कुछ जीरा और पानी की मदद से एक सॉफ्ट डो बना लें। सॉफ्ट डो पे ये ध्यान रखें कि डो इतना भी सॉफ्ट ना हो कि उसको बेलने में तकलीफ हो। आई वुड से अ सेमी हार्ड डो। हाथ से मलते हुए डो को तैयार कर लें। अब आप डो को देख पा रहे हैं, ये डो ना बहुत सख्त है ना बहुत ही सॉफ्ट। अब इसको ढक के कुछ समय के लिए रख दें। कम से कम 15-20 मिनट का वक्त जरूर दें, डो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। अब एक पानी गर्म कर लेते हैं, इसमें फरे फ्राई होंगे, माफ कीजिएगा उबाले जाएंगे। उसके बाद डाल देते हैं कुछ तेज पत्ता, लौंग और इलायची और नमक, ये कुछ फ्लेवरिंग कर देगी। अब देखिए छोटी छोटी लोई बना ली आटे की और इसको हाथ से धूड़ा लेके, धूड़ा यानी कि आटा, फ्लैट पूड़ी नुमा आकार बेल लें। अब ये छोटी छोटी जो पूड़ियां बेल रही है ना, इसमें भरा जाएगा फरा का मिक्सचर, यानी कि चने दाल का मिक्सचर जो हमने मिक्सी में तैयार करके रखा है। बीच में मिक्सचर भर दें और जिससे चंद्रमा होता है ना आधा, उस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। अगर चिपकाने में तकलीफ हो तो उसमें ना साइड में आप थोड़ा पानी लगा लें, ये थोड़ा चिपचिपापन बढ़ा देगा और आराम से लोई चिपक जाएगी आपस में। अब इसको हाथ से दबा दें। चलिए थोड़ा फैशनेबल कर लेते हैं, एक फोक की मदद से इसको प्रेस कर दें, एक अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा। आप चाहें तो एक ही तरफ से प्रेस करें, मगर आपकी इच्छा हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप दूसरी तरफ से भी यही निशान दे सकते हैं। दो फायदे होंगे देखिए, एक तो आपका आटा आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएगा और उबलते समय इसको अलग होने का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा, और दिखेगा तो बेहतर है ही। अब चलिए इसी तरह से हम 3-4 अथवा जितने फरे चाहें बना लें और पानी में उनको उबलने डाल दें। ये बात ध्यान रखें कि पानी बहुत तेजी से उबल ना रहा हो, तो नहीं तो फरे फटने का डर रहेगा। मध्यम से थोड़ी अधिक आंच में फरों को उबाल लें और थोड़ी देर के बाद इस पे एक ढक्कन लगा दें। अब फरे आपके उबलने शुरू हो जाएंगे। जब फरे ऊपर तैरने लग जाए ना, तो समझ लीजिए ये लगभग तैयार हैं। इसमें 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का वक्त भी लग सकता है। फरों को पलट लें और फरे लगभग अब तैयार हैं। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, फ्राई फरे बनाने के लिए
थोड़ा तड़का तैयार कर ले। ले लिया सरसों का तेल और डाल दिया उसमें जीरा। जीरा अपना डांस दिखाना शुरू कर देगा अब। और अब डाल दी हींग। इसका स्वाद बड़ा ही अद्भुत लगता है फरों में, ना जाने मुझे तो हमेशा पसंद आते थे। मेरी माँ बचपन में मुझे बहुत बनाकर खिलाया करती थी। और अब डाल दी हरी मिर्च और कुछ कटे हुए प्याज। ये जो बन रही है ना, ये बेसिकली ग्रेवी बन रही है आपके मसाला फरा के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार हम दो तरह के फरे बना रहे हैं, एक तो ग्रेवी में होंगे और एक फ्राई। और डाल दिए टमाटर। अब टमाटर को अच्छे से भून लिए। भूनते समय अब डाल दिया अदरक का लहसुन का पेस्ट। ये बात को ध्यान रखें, भुनाई इतनी अच्छी हो कि टमाटर और प्याज आपस में घुल जाएं, जैसे एक बदन दो जान। थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अथवा आप मसालों में थोड़ा हेर बदल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, डाल दें थोड़ा पानी, इससे मसाले जो नीचे लग रहे हो ना वो ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा पानी और डाल के अपनी ग्रेवी को तैयार कर लीजिए। अब देखिए, फ्राई फरे बनाने हैं, साथ में चटनी तो देखिए लगेगी। और बाजार में आजकल हरा लहसुन बहुत मिल रहा है, इसकी चटनी तो लाजवाब होती है साहब। कुछ टमाटर काट लें और साथ में ये जो काटे हैं ना मैंने हरे लहसुन, ये ले लें, इनके पत्ता पत्ता और साथ में लहसुन दोनों रख लें। अब कुछ नहीं करना है साहब, सबको मिला के एक जार में डाल देना है। डाल दिए टमाटर और साथ में हरे लहसुन। इसको काटने ही से जो खुशबू आती है ना वो एक अद्भुत। और डाल दी थोड़ी हरी मिर्च और नींबू, डाल दिया थोड़ा नमक और हल्का सा जीरा पाउडर, और ये डाल दी मैंने हींग। अब ढक्कन लगाइए और बगैर पानी के एक चटनी बना लीजिए, चटपटी। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। चक्के देखिए, बहुत तेज तीखी है ये। अब एक काम करते हैं, देखिए चटनी बन गई और फरे अब छान लेते हैं। फरों को एक जालीनुमा बर्तन में छान लें और उसका जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन होने के लिए थोड़ी समय के लिए छोड़ दीजिएगा। अब फरों को बीच से काट लें। अब आप देखिए दाल पक चुकी है और बाहर की आटा भी अच्छे से पक चुका है। अब फरों को कुछ फ्राई कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार थी, अब ये फ्राई फरे कर लेते हैं। थोड़ा तेल ले लिया, उसमें डाल दिया कुछ हींग और साथ में राई, और फरों को डाल दिया। नीचे का पोर्शन थोड़ा खड़ा रखें ताकि नीचे रंग आ जाए। इस तरह से सारे फरे डाल के अल्टा पटली करके आप उनको फ्राई कर लें। देखिए नीचे से कितना सुर्ख लाल रंग आया है। अब फरे फ्राई हो चुके हैं, इनको हिलाते हुए आप इसमें थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल देते हैं, दिखेगी भी अच्छी और एक अलग सा स्वाद देगी। अब एक नींबू निचोड़ दें। बन गए ना एक लाजवाब स्नैक्स, वो भी फरे के। अब चटनी के साथ इसको बस खाना बाकी है। रुक जाते हैं, पहले वो जो मसाले वाले फरे हैं ना उनको भी तैयार कर लेते हैं, इनको साइड में रखते हैं। तो चलिए, ग्रेवी तो देखिए तैयार हो गई थी, फरे हमने काट ही लिए थे। थोड़ा सा पानी बढ़ाएं तो क्योंकि ग्रेवी में थोड़ी देर के लिए फरे पकेंगे भी। थोड़ी देर भूनने के बाद डाल देते हैं इसमें फरे। इन फरों को हमने फ्राई नहीं किया है, ये सीधे उबले हुए हैं। थोड़ी देर इनको ग्रेवी में पकाएंगे। जब ग्रेवी थोड़ी सूख जाएगी ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इनको भी थोड़ा गार्निश कर देंगे धनिए से, चाहे तो एक आधा टमाटर और हरी मिर्च भी डाल लें। हो गए तैयार हमारे मसाले वाले फरे। अपनी धर्मपत्नी को आज आप खुश कर दीजिएगा। डाल दिए कुछ टमाटर और कुछ धनिया, और फरे भी देखिए सूख चुके हैं। अब चलते हैं, इनकी तैयारी हो चुकी है, आप चलिए इनको खिलाने की तैयारी भी कर लेते हैं। आज मैं बहुत ही साधारण प्लेटिंग कर रहा हूँ। घर पे एक सूप पड़ा हुई थी जिसमें गेहूँ छानते हैं ना, वो ले लिया। हांडी में डाल दिए थोड़े मसाले फरे और साइड में रख दिए थे कुछ फ्राई वाले फरे और चटनी। रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही मोटिवेशन बना रहता है। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।